और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की थी कमेंट में, बड़ी प्यार मोहब्बत भी बरसाया था विवेक पटेल के ऊपर, राज डिजिटल स्टूडियो के ऊपर, अभिषेक जी के ऊपर। पटेल फिल्म्स के ओनर हैं हमारे साथ अभिषेक जी। तो आज सारा जो बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, इतनी जो चल रही है बवाल, दो साल से पटेल फिल्म्स कहाँ थी, क्यों शिल्पी को बदनाम किया जा रहा है, शिल्पी अच्छी है, गरीब घर से है तो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले अभिषेक पटेल जी हमारे साथ हैं, क्या ये माजरा है? सबसे पहले तो स्वागत कर देता हूँ आपका। धन्यवाद विवेक जी, और जितने भी दर्शक हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। क्या मैटर जो चल रहा है, ये दो साल से लोग कह रहा है कि ये आपका एग्रीमेंट है, ये सब क्या माजरा क्या है, ये हमको साफ तौर पे या पब्लिक को समझा दीजिए कि क्या मामला क्या है। एक्चुअल में ये पूरा माजरा तो हमारा और शिल्पी का है और विवेक का है, इससे पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सच्चाई पब्लिक को तो तब पता लगेगी ना जब हमारे पास, हम एविडेंस मार्केट में लाएंगे। अभी नोटिस मार्केट में लाया हूँ। आप बताइए कि अगर सब कुछ फर्जी है, मैं मान लेता हूँ सब फर्जी है, तो शिल्पी राज या उनके जो आका हैं, जो भी हो, अगर हिम्मत हो तो अभिषेक पटेल के खिलाफ FIR करके दिखाओ, तुम्हारी औकात हो तो। अगर तुम्हारी औकात है कि सब फर्जी है तो मेरे खिलाफ़ FIR करो, मैं बैठा हूँ। मेरे घर का पता स्पष्ट लिखा हुआ 28 से गौरव विहार कॉलोनी लखनऊ, मेरी कॉलोनी में चले जाओ, अभिषेक पटेल को पता कर लेना, हर आदमी बता देगा घर कौन सा है। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी कार्रवाई का। क्यों? क्योंकि जिस दिन नोटिस पहुँची है उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि अभिषेक पटेल के खिलाफ रेप का, छेड़खानी का, फर्जी दस्तावेजों का FIR कराएंगे। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए अभी तक एग्रीमेंट उन्होंने मार्केट में नहीं डाला है कि पहले आप FIR करा लो और फिर मेरी कानूनी कार्रवाई तो चली रही है। और जो लोगों ने कहा है कि हम FIR कराएंगे, उनको ये नहीं पता कि अभिषेक पटेल कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। पेशे से पत्रकार हूँ, इस भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, भोजपुरी में मुझे बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस क्षेत्र में जब मैं आया था तो एक असहाय के लिए आया था, और शिल्पी भी मेरे लिए असहाय थी। जब मिलने आई थी ना तो वो छोटी सी थी, कपड़ा नहीं था तन पे। कल उसका लाइव हमने देखा, उसने एक सेंटेंस कहा उसकी, अभिषेक पटेल घटिया हैं, अपने दिल पे हाथ रखे, अपने माँ के सर पे हाथ रखे, कहे अभिषेक पटेल ने आज के गलत निगाह से उसको देखा, बेटी मानता था अपनी, 10 से 20 लाख रुपए उसके पीछे हमने खर्च किया है, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया हमने खर्च किया है। आज से पहले मेरा इंटरव्यू आपने लिया था, कभी मुझे उम्मीद नहीं थी शिल्पी के खिलाफ मुझे यह करना पड़ेगा, लेकिन क्या कारण है शिल्पी, तुमने कौन सी ऐसी गलती की है कि तुम्हारी दो गलतियों को मैंने क्षमा किया, तीसरी गलती में तुम्हें मैं कोर्ट में घसीट रहा हूँ। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा करियर तुम्हारे आका नहीं बचा पाएंगे। वही तुम्हारा भाई है जिसको तुम राखी बांधने के तरसती थी, पिछले रक्षाबंधन 2019 रक्षाबंधन में तुम रो रही थी, हमने कहा था कि फिर भी परेशान न हो, कोई नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। और उसी वक्त एक लड़का है अभिषेक पांडे आरा का, उसने कहा जीजा आप परेशान होइए, शिल्पी मेरी बहन है और राखी बंधवाया था मेरी बीवी से और उससे। आज वो लड़का लाइव आया था, उसकी आंखों में आंसू था। किसी को बहन बना लेना बहुत आसान है, लेकिन फर्ज निभाना बहुत कठिन काम है। अभी भी वक्त है शिल्पी, अगर वो सुधर जाए, अगर उसका कैरियर बनाए, माता रानी उसे दिया है, बहुत दिया, अच्छा दिया है, हमें उसे कोई लालच नहीं है। क्योंकि लालच तब होता जब वो कुछ नहीं थी, तो उसके पीछे हमारा क्या स्वार्थ था। विवेक हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, शिल्पी मेरी रिश्तेदार नहीं है, जिस जिले के हैं मैं उस जिले में रहता भी नहीं हूँ, मैं लखनऊ का हूँ। बट ये था कि किसी माध्यम से वो मुझे मिले, और मुझे लगा माँ भगवती ने कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, हमने किया। और अगर मदद किया तो मदद करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूँगा, और जिसको जो आरोप लगाना है लगाता रहे, जो उखाड़ना मेरा उखाड़ ले। मैं इतना सबल हूँ कि विदाउट आधार के किसी के ऊपर मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का ज्ञाता मैं भी हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। बट सिर्फ इतना है विवेक जी कि जो आपसे रिश्ता होता है, जब साल भर दो साल कोई अपने बीच में रहता है ना, मुझे वो एक पल याद है, निपो बिल्डिंग में स्टूडियो था, मैं लखनऊ से आया, एक फ्लाइट ऊपर से जा रही थी, शिल्पी विवेक गोलू एक लड़का था ऊपर टहल रहे थे, शिल्पी ने सिर्फ एक शब्द कहा था, भैया ये उड़ता कैसे है। मेरे दिमाग में आया, हमने कहा शिल्पी बताता हूँ, और मैं उसे कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह हमने विवेक से कहा कि बैग पैक कर लो, कहीं चलना है, टिकट बुक कर लिया था मैं लखनऊ का, विवेक शिल्पी हम तीनों लोग। जब
यहाँ एयरपोर्ट गए तो शिल्पी को पता लगे हवाई जहाज़ में बैठने जा रहे हैं, और बैठी थी बहुत खुश थी। छः महीने वो हम लोग के साथ रही है, 6 महीने कम से कम मैं उसके साथ बिताया हूँ, मैंने बिताया हूँ, मेरी पत्नी बिताई है, मेरा बेटा उसे मौसी बोलता था। तुम उन संबंधों को भूल गई? आज के ज़माने में कौन गैर किसके लिए क्या करता है विवेक जी? तुम मेरी कौन, मेरी ब्लड हो? नहीं हो। दुख मुझे इस बात का है कि ऊपर वाले अगर इस लायक आपको बनाया है कि अपने घर परिवार को आप सहेज पाओ, तो आपको सहेजना चाहिए, किसी तीसरे का शिकार आपको नहीं बनना चाहिए। और मैं सिर्फ आज खड़ा हूँ इसलिए कि तुम तीसरे का शिकार मत बनो, मेरे लिए मत कुछ करो, हमें पैसे का लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे का लालच हो तो हम इस इंडस्ट्री में आके 40-50 लाख बर्बाद करके बैठा हूँ। पहला लड़का था साहिल पटेल, जिसके लिए 10-15 लाख रुपये हमने बर्बाद किया, आज तक उसे एक शब्द नहीं कहा तुम्हारे लिए मैंने पैसा बर्बाद किया है, और एक बार इंटरव्यू में उसने आपसे कबूला भी है। वो ये लड़का ही नहीं कह सकता भैया मुझे गाली भी दिया। क्यों? क्योंकि इंसान भगवान नहीं है, गलती इंसान से होती है, गलती मुझसे भी होती है, और आज शिल्पी ने जो गलती की है उसे एहसास होगा कि हम गलत हैं। लेकिन जो स्क्रिप्टेड राइटिंग में लोग लाइव कर रही थी ना, हिम्मत होती तो उस लाइव को लोग रोक लेते। डिलीट क्यों किया गया, किस कारण डिलीट किया गया? शिल्पी ने क्या कहा कि सादेपन ने दस्तखत किया है, मैं मान लेता हूँ सादेपन ने दस्तखत, लेकिन शिल्पी क्या तुम सही हो? 4 लोग तुम्हारे साथ थे, 4ों जिस दिन कहेंगे हाँ सादे पन्ने पे किया था तब भी तुम रांग हो, क्योंकि सादे पन्ने पे दस्तखत करना गैर कानूनी जुर्म है। अभी बीच में एक रूमर उड़ा था कि हमसे पहले सिवाय फिल्म ने उनका एग्रीमेंट किया है, मैं सिवाय फिल्म से भी कहूँगा अभय जी मेरे दुश्मन नहीं है, ना मेरे दोस्त है ना दुश्मन है, अभी जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। अगर पटेल फिल्म से पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो मार्केट में लेके आवें, लेकिन उनसे मैं अभी ये भी कहूँगा कि अगर एग्रीमेंट किया है वो सच है तो मार्केट में लाइए, मैं अपना मार्केट में लेके आता हूँ, FIR दोनों करेंगे, लेकिन शिल्पी को जेल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि दोनों एग्रीमेंट होगा तो शिल्पी दोषी होगी। अगर उसे बच्चे के साथ पाला है तो उसे रोकना मेरा फर्ज है, लेकिन लगातार गलती करोगी तो जेल जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया जो तुम्हें जेल जाने से रोक ले। लेकिन अभी भी वक्त है, शिल्पी अगर सुधर जाए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो सुधर जाए अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। रहा विवेक का सवाल, उसका पति है नहीं है, मेरे पास जब आए थे तो उसी ने कहा था भैया विवेक मेरे हस्बैंड हैं, विवेक से हमने तुम पूछा था ये तुम्हारी कौन है, उसने कहा मेरी वाइफ हैं, मेरे स्टूडियो में लड़कियों का रहना मना था, हमने अपने मकान मालकिन से कहा था कि हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पर गार्ड हैं, गार्ड मेरा रिश्तेदार नहीं है, उस बिल्डिंग में आज मैं भी हूँ नहीं, लेकिन वहाँ जाके कोई कन्फर्मेशन कर लेना कि विवेक और शिल्पी कौन थे, नहीं हस्बैंड वाइफ थे, मैं कहता हूँ नहीं थे, मैं सच्चाई नहीं जानता हूँ थे कि नहीं थे, मेरे सामने शादी हुई नहीं, लेकिन जो आप मुझसे बताओगे वही मैं जानूंगा ना। एग्रीमेंट जब हमने लिखा, शुद्ध हिंदी में लिखा, हिंदी में टाइप हुआ, स्टूडियो में टाइप हुआ, हमने भी शिल्पी से कहा कि शिल्पी इसमें लिख दूँ पति विवेक पटेल? हाँ भैया, अब जब विवेक जी मेरे पति है तो लिखने में बुराई क्या है। एक बार मजाक में हमने कहा था तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड दोनों गलत कर रहे हो, तो मेरे ऊपर भड़क गई थी, 1 हफ्ता मुझसे बात नहीं हुई थी कि भैया आपने मेरे पति को बॉयफ्रेंड मेरा बना दिया, ये क्या तरीका है? तो शिल्पी क्या ये सब भूल गई? मेरी बीबी मेरे बच्चों के साथ, उसके तमाम वीडियो हैं, आज से पहले कल की लाइव से पहले अभिषेक पटेल तुम्हारे लिए भगवान था, और कल लाइव आने के बाद अभिषेक पटेल तुम्हारे लिए घटिया इंसान हो गया। तो शिल्पी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव आके बताओ कि अभिषेक पटेल तुम्हारे साथ क्या घटियापन किया है, कौन सा हमने तुम्हारे साथ नयन लड़ाया है, कौन सी तुम्हारे साथ रातें रंगीन की है, अगर की है हिम्मत हो तो कहो कि अभिषेक पटेल ने किया है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी औकात नहीं है कहने की। क्यों? क्योंकि अभिषेक पटेल के ऊपर आज तक किसी लड़की ने आरोप नहीं लगाया है। इस पटना में तमाम कलाकारों को, कोई लड़की मेरी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन हर लड़कियों को मैंने बुला के वस्त्र बांटा है, उनके पैर छुए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि मातृत्व एक शक्ति है, माँ भगवती का मैं पुजारी हूँ, और महिलाओं की इज्जत बहुत ज़्यादा करता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता अभिषेक पटेल ने किसी लड़की के साथ मजाक किया हो, अगर मैं किया होता तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग मुझे भी जानते हैं, पिछले 1.5-2 साल से मैं पटना में हूँ, मेरे ऊपर भी लोग उंगलियाँ उठाते, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो उंगली उठा ले। क्यों? क्योंकि उंगली उठाने के लिए प्रूफ होना चाहिए, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि मेरे ऊपर उंगली उठा ले। अच्छा,
जब मैंने वीडियो रिलीज़ किया था बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया है या बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब पटेल फिल्म्स ने 2019 में एग्रीमेंट किया था तो 2021 में जाकर के एग्रीमेंट को खुलासा क्यों कर रहा है, दो साल से या ये जो इस बीच का टर्म जो रहा है, पटेल फिल्म्स उस टर्म के बीच में कहाँ था, शिल्पी राज को उन्होंने पहले क्यों नहीं आगाह किया था? विवेक जी, जब शिल्पी विवेक मुझसे पटना जंक्शन पे मिलने आए और वहाँ से मैं होटल सिटी सेंटर में रुका था तो लेके आया, तो मेरे मन में कहीं ये नहीं था कि मैं इसके साथ एग्रीमेंट करूँगा। मेरी बातचीत हुई, शिल्पी लाई भाई, उसके साथ साहिल पटेल भी लाई आया, वहाँ से ये लोग गाय घाट रहते थे, मेरी बात हुई, फर्स्ट मुलाकात हुई। सेकेंड डे हमने कहा कि चलो एक म्यूजिक डायरेक्टर रोहित स्वराज, मैं उनके यहाँ चलता हूँ, जितना तुम्हें गाना गाना हो, जितना म्यूजिक बनवाना हो, पैसा मैं एडवांस देता हूँ। रोहित स्वराज को हमने एडवांस पैसे दिए और हमने रोहित स्वराज से कहा कि भैया मेरे परिवार की बच्ची है, जो कहे वो कीजिएगा, और मैं पटना से वापस लखनऊ चला गया। दोबारा जब आया एक सप्ताह बाद तो विवेक से मैंने कहा विवेक रहते कहाँ हो, तो उसने कहा भैया गाय घाट में। हमने कहा मुझे ले चलो, मैं गाय घाट गया। ऐसा माहौल था ना विवेक जी कि आप जाओगे तो उस मकान में घुसते ही आप उल्टी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कमी इनकी नहीं थी, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं थी कि अच्छी जगह पे रह पाएं। मुझे जब विवेक पहली बार लेके गया तो मुझे बड़ा घृणा सा प्रतीत हुआ और तुरंत विवेक से हमने कहा था विवेक और शिल्पी कल यहाँ से हिसाब करो, पैसा मैं देता हूँ, और चलो स्टूडियो पे सामान वहाँ रखो और वहाँ रुको, वहाँ कमरा है रुकने का। और तब से शिल्पी और विवेक स्टूडियो पर रुकने लगे। बीच में हमारे यहाँ भीड़ बढ़ गई तो स्टूडियो के पीछे ही हमने एक फ्लैट किराए पर लिया और वहाँ पर शिल्पी विवेक ही दो लोग रहते थे। जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ ना, ये सोफ़ा भी शिल्पी की पसंद है, शिल्पी खरीदी थी अपने रूम के लिए, लेकिन हमने उसे पूरी खुली छोड़ दी थी, जो तुम्हें करना हो करो, तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी ने उसे अपनी बहन मान लिया था और उसकी जो फरमाइश होती थी शिल्पी की, मेरी पत्नी हर फरमाइश पूरा करती थी। आपने सवाल किया है कि आप दो साल कहाँ थे, जरा भाई साहब आप मुझे बताओ दो साल हुआ कहाँ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दो साल कहाँ हुआ है। अक्टूबर 2019 की ये घटना है, अक्टूबर 2019 को एग्रीमेंट होता है, अक्टूबर 2021 में दो साल पूरा होगा। अभी अक्टूबर 2021 तो आया नहीं है। आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, अक्टूबर में मेरा एग्रीमेंट हुआ, दिसंबर तक लोग मेरे साथ रहे, जनवरी में मेरे पास से गए, और गए नहीं, विवेक से हमने कहा कि जाओ कहीं अलग कमरा ले लो और शिल्पी से कहो, कुछ गलतियाँ थी शिल्पी से कहो सुधार लावे, और जब तक सुधार नहीं लाएगी स्टूडियो मत आना। आप विवेक से पूछिएगा कि जब तक स्टूडियो नहीं आएगी तब तक आप मत आना। और इन्होंने ये चिड़ियाटाल पुल के आसपास कहीं कमरा लिया, मैं उस कमरे पर नहीं गया। हमारा लड़का गोलू था, उससे सामान हमने भिजवाया कि जाओ इन लोगों के साथ सामान पहुंचाओ, फिर इन लोगों से हमने कहा कि जो ज़रूरत होगी बाबू मुझसे बताना। उसके बाद ये इन लोगों का आना जाना कम हो गया, फिर हमने विवेक से कहा कि बाबू एग्रीमेंट है, कल को कोई बात ना फंसे, आप हमसे NOC ले लो। NOC 3 महीने का मार्च तक हमने NOC दिया। आपको याद होगा कि मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन चल रहा है। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, हम इस लॉकडाउन में किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि तुम ये मत करो। रहा सवाल शिल्पी का, आज वो मुझसे कहते भैया एग्रीमेंट का पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए, आप पे मुझे विश्वास नहीं है, कसम खाता हूँ कि मेरे सामने आके केवल इतना कह दे एग्रीमेंट क्या है, जब मुझे कोई लालच नहीं है। शिल्पी से क्या लालच है मुझे, शिल्पी मुझे कमा के देगी, मैं उसकी कमाई खाऊंगा। ईश्वर ने माँ भगवती मुझे इतना दिया हुआ है कि अगर अपने बूते में कमा पाऊंगा किसी लड़की की कमाई खा नहीं पाऊंगा। तो सिर्फ सवाल जो ये पैदा कर रहे हैं ना, दो साल कहाँ थे, भाई आप बताओ ना, मार्च के बाद, मार्च ख़त्म हुआ है अभी, एक साल हुआ ना, अप्रैल मई चल रहा है, इस बीच में 6 बार हमने विवेक और शिल्पी को इंगित किया कि आओ मेरे साथ बैठो, अगर तुम नहीं बैठते हो तो दोस्त इसका है। मैं भी जानता हूँ जिसको मैंने, जिस बगिया को हमने सींचा है, बड़ा किया है, उसको मिटाना आसान है क्या? आप बताओ, अगर मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ मिटेगी ना? तो कलेजे में पत्थर रख के ये काम मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कमाओ तुम, मार्केट में बहुत बड़ा नाम करो। मुझे खुशी है कि शिल्पी मेरे साथ थी, मार्केट में नाम कर रही है। मेरे पास नेहा राज भी आई थी, उसने मुझसे कहा था कि भैया एग्रीमेंट मेरा कर लीजिए, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं किया, हमने उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। आप नेहा राज और विवेक उसके साथ रहते हैं, क्या नाम है, विकास से पूछिएगा कि आप लोगों ने भैया से कहा था एग्रीमेंट करने के लिए, हमने मना किया कि एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तुमसे क्यों एग्रीमेंट किया, क्या कारण था तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था? एग्रीमेंट करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि हमें प्रूफ चाहिए था कि लोग मेरे पास हैं,
मेरे स्टूडियो में अगर कोई रह रहा है तो हमें एविडेंस चाहिए। उसी बीच में एग्रीमेंट भी हुआ और तुमसे पता कि वो असल पे मैं कर लूँ, तुमने कहा भैया कर लीजिए। जब तुम्हारी मर्जी से हुआ है आज तुम कहते हो ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर किया। सच बोलो ना यार, सच बोलो, तो मेरे पास आओ। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अभिषेक पटेल भी नहीं रोकें। क्यों? क्योंकि मेरा दिल साफ है और तुमसे मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मैं सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बच्चे जैसी थी। तो आपको क्या लगता है शिल्पी राय लाइव आके जिस तरह से बोल रही है कि खाली पेपर पे साइन कराया बाकी सब, तो इसके पीछे कौन है? आप कह रहे हैं कि शिल्पी नहीं बोल रही है, शिल्पी को बुलवाया जा रहा है, तो कौन है वो लोग जो शिल्पी राज को बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? विवेक जी, शिल्पी ने जो बोला है ना उतनी उसके पास अकल नहीं है। कभी आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा उसके पास कितनी अकल है। वो बच्ची है, अभी उम्र ज़्यादा हो गया अलग बात है, लेकिन बचकानी हरकतें शिल्पी के अंदर बहुत हैं। आप उसका लाइव उठा के देखिए और देखिएगा लेफ्ट हैंड पे बार बार वो पढ़ रही है। बीच में एक आदमी कहता है हो गया, कहती नहीं 20 मिनट और। घड़ियाली आंसू बहाने से सच्चाई छिपा नहीं सकती हो आप। अगर रोने से सही समस्याओं का समाधान हो तो रो लो आप। मैं भी रो क्या, मैं भी रो सकता हूँ। मेरी पत्नी कहती है मुझे पटना ले चलो एक बार, शिल्पी से मुझे मिलवा दो। मैं इसलिए नहीं मिलवाता हूँ कि मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तुम्हें देख के। मैं तो कलेजे पत्थर रख लेता हूँ कि तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन महिलाओं की जो इज्जत हो देती, मेरे घर गई हो, मेरे ससुराल गई हो, तुम अकेले नहीं गई हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ गया है। मेरे पूरे ससुराल को तुमने बताया मेरा हस्बैंड है। तुम मियाँ बीवी के लिए मेरे साले ने अपना कमरा खाली कर दिया था कि तुम मेरे कमरे में सोओगी। लखनऊ मेरे कमरे में गई, मैं अपना कमरा खाली कर दिया, मैं अपने बेटे के कमरे में सोने लगा कि ठीक है दोनों पति पत्नी हैं सोने दो। मेरे मोहल्ले में तुमने बताया कि विवेक जी मेरे पति हैं, झूठा किसको बनाओगी? मेरे मोहल्ले के लोग तुम्हारे मेरे रिश्तेदार हैं क्या? तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो एविडेंस नहीं मिलेगा। पटना का कौन सा ऐसा स्टूडियो वाला है जो नहीं जानता विवेक और शिल्पी का रिलेशन क्या है? हमारे यहाँ 7 महीने तुम सोई हो जिस स्टूडियो में, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के नीचे तुम सोती थी। सारा इंडस्ट्री जानता है कि आप लोग का रिलेशन क्या है। अगर तुम दोनों पति पत्नी नहीं थे तो साथ में रहते कैसे थे? कौन सा संबंध था? उस संबंध का खुलासा करो ना। क्या विवेक तुम्हारा भाई था? विवेक तुम्हारा खून भी तो नहीं है? विवेक की माँ जब एक्सपायर हुई थी, मैं विवेक को उस रात फ़ोन किया था, करेजे पे पत्थर रखे, चलो उसकी माँ मेरी माँ थी। विवेक ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमको मैंने फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तुम किस हैसियत से वहाँ उसकी माँ के लिए गई थी? किस हैसियत से उसके माँ के दवाखाने में तुमने पैसा जमा किया था? अगर तुम्हारी सास नहीं थी, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, तो तुमने पैसा क्यों लगाया? विवेक जी, आप किसी के लिए पैसा लगाओगे? किसी गैर के लिए आप पैसा खर्च करोगे? नहीं करोगे। कोई रिलेशन था जिसके कारण आपने उनको अपनी सास माना, उनके साथ तुम्हारे तमाम फोटो, उनके साथ तुम खरीदारी करती थी, मुझे वीडियो कॉल पे मेरी बात कराती थी कि भैया बात कर लीजिए, मम्मी लाइन पे हैं। तो उस समय वो मम्मी थी, तो मम्मी का रिलेशन अब कैसे बदल गया? और खुदा नखास्ता आज बेचारी है नहीं, अगर वो आज होती तो शायद उनकी मौत पहले हो गई है, आज इस सदमे से हो सकता है उनकी मौत हो जाती। अच्छा, लोग और भी सारे कमेंट कर रहे थे कि, और लोग क्या बाकी जो इंडस्ट्री में बातें चल रही है, उड़ती उड़ती अफवाह जो सूत्रों के हवाले से खबरें आती है, लोग कह रहे हैं कि जब शिल्पी 18 साल की नहीं थी तब पटेल फिल्म्स ने एग्रीमेंट साइन किया था, और दो आधार कार्ड लोग आजकल जो वायरल हो रहा है, दो आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड में उनका उम्र 2002 का है और एक में है 2000 का, तो दोनों में 18 साल से पार है, आज के समय से लेकर चले तो 18 साल से पार है, एक साल पहले का एग्रीमेंट है। तो क्या वो 18 साल की थी? ये भी लोग संदेह कर रहे हैं कि आपने नजायज़ ये 18 साल की नहीं थी तब साइन करवा लिया था। विवेक जी देखिए, मेरे कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने मेरे साथ जब एग्रीमेंट किया था तो जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिया था उसमें आप 18 प्लस थी। बाद में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लो या कुछ भी करा लो तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब कोर्ट केस फंसता है और जब मैं कोर्ट से डिमांड करूँगा तो आपके लिए मेडिकल जाँच बैठेगी, और मेडिकल जाँच करेगी तो उस एविडेंस को आप इनकार नहीं कर सकती हो। सिंपल सा फार्मूला है, तब लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, शिल्पी झूठ बोल रही है, क्या है सही है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब आने वाले टाइम में शिल्पी से क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शिल्पी जैसे तुम थी वैसे काम करो। नहीं विवेक से तुम्हारा जम रहा है, आपसी समझौता टूटा हुआ है, क्या है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर विवेक तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहे हैं तो तुम अपने भैया के साथ आओ काम करो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी निगरानी में काम कराऊंगा। अभी तक मैं तुमको छूट दिया था उस एग्रीमेंट को भी, मैं अब मैं जाए यानी उस एग्रीमेंट के आधार पर तुमसे काम कराऊंगा। हाँ, ये मेरा
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम आओ, हमसे एनओसी लो, हर हफ्ते की एनओसी लो और मेरे सामने रहो, लेकिन रुपए का हिसाब भी लूँगा कि पैसा कमाई हो तो अपने घर में दियो या तीसरा आदमी कोई ले गया। तुम अपने घर में दो, अगर अभिषेक पटेल तुमसे एक रुपये मांगे ना तो मेरे मुँह पर थूक देना कि अभिषेक भैया आपने ये कमेंट किया था कि मैं आपसे नहीं लूँगा, आपने लिया कैसे? मुझे उसके पैसे की लालच नहीं है। तुम अपने भाई के साथ आओ, अपनी माँ के साथ आओ, अपने विवेक के साथ आओ, काम करो, मार्केट में काम करो, नाम करो, मुझे खुशी होगी। मुझे तुमसे एक रुपये नहीं चाहिए, लेकिन ये कहो कि तुम्हारा अनर्गल उपयोग कोई और करे, तुमको बरगला के तुम्हारे करियर को फिर चौपट करे, तुम्हारे पैसे को लूट ले जाए, तो वही कहावत हो गई ना कि ना मियाँ मिले ना राम, खाली हो जाओगी। अच्छा, जो बार बार आप नाम ले रहे हैं, जो बड़गला रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि अगर उस लड़की के लिए आपके दिल में कोई जगह है तो बरगलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना आपका कुछ बिगड़ेगा। अगर कानूनी दाव पेच में वो लड़की फंसती है तो उसका बिगड़ेगा और उसके जिम्मेदार सब होंगे। अच्छा, सिवाय फिल्म्स ने भी एग्रीमेंट किया था, उसके बारे में क्या? हमने पहले ही कहा आपसे कि सिवाय फिल्म ने एग्रीमेंट किया है तो उसको मार्केट में आना चाहिए, वो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करें, मैं तैयार हूँ। आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेंगे? वो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करें, एक्शन की बात तो बाद में आएगी ना, पहले वो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करें कि आप गलत एग्रीमेंट किए हो, पहले मैंने किया है तो मेरे खिलाफ़। तो जिस तरह से आपके प्रति बातें फैलाई जा रही हैं कि आप गलत हैं, आपकी छवि को धूमिल की जा रही है, शिल्पी राज भी कल आके करेगी मेरी छवि को धूमिल की जा रही है, तो आप जो मार्केट में चल रहा है रूमर्स की, सिवाय फिल्म्स का पहले एग्रीमेंट है, पटेल फिल्म झूठ बोल रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप? विवेक जी, पब्लिक क्या कह रही, पब्लिक को सच्चाई नहीं पता है, पब्लिक को आज सच्चाई नहीं पता, 10 दिन बाद पता चलेगा, 20 दिन बाद पता चलेगा, और जिस दिन सच सामने आएगा तो वही पब्लिक जो आज उनके साथ है उनके लिए किन शब्दों का उपयोग करेगी वो मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विवेक जी। तो ये थे पटेल फिल्म्स के ओनर अभिषेक पटेल जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि एग्रीमेंट में क्या है, आने वाले एक महीने के अंदर में क्या होगा। इन सब की जानकारी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। और रही बात अभिषेक जी की, तो बहुत जल्दी जो एक्शन लेने वाले वो भी आपको नज़र आएगा। और बाकी रही कोई सवालात या जो कुछ बच गया हो तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो पूछने की कोशिश करूंगा या उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और साथ में कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे एक मैसेज कहना चाहूंगा कि ये वो चैनल नहीं है जिस पे गलत खबरें दिखाई जा रही हों या गलत चीज़ें प्रकाशित की जा रही हों। हम तथ्यों पर बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं, सच्ची फैक्ट्स पर बात करते हैं, किसी के बड़गड़ावे में नहीं खबर करते हैं। और जो सच्चाई रहेगा वो हम बोलेंगे और वो हम दिखाएंगे, चाहे आप अपशब्द का यूज़ करें, चाहे आप गाली देने का करें। और हम खुद नहीं चाहते कि शिल्पी राज के साथ कोई भी गलत एक्शन हो। और बाकी शिल्पी राज के गाने आप सुनते रहिए, और बाकी जो रियलिटी है वो सामने आएगा। नमस्कार।